होता है जब हम थ्रोटल थ्रोटल वाल्व को जब हम खोलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, थ्रोटल वाल्व को जैसे हम ओपन करेंगे तो एयर का अमाउंट जो है यहाँ पे एयर का अमाउंट ज्यादा इसमें आएगा। तो जैसे ही एयर और फ्यूल का अमाउंट ज्यादा जाएगा तो यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन के साथ में इंजन का पावर भी जो है आपका एक्सेलरेशन के साथ में इंजन का पावर कम और ज्यादा हम कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल था जिसके ऊपर आपका जो कार्बोरेटर सिस्टम है, जो सिंपल कार्बोरेटर हम इसको बोलेंगे, तो जो बेसिक प्रिंसिपल है जो कि इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग कंडीशन में कार्बोरेटर सिस्टम काम करता है। अब यदि हम बात करें कि ऑपरेशन ऑफ सिंपल कार्बोरेटर का मेन ऑपरेशन की बात करें कि कैसे ये ऑपरेट होता है, तो ऑपरेशन की बात करें जैसे कि हम यहाँ पे यदि देखें कि ये वाला जो है आपका, यहाँ पे जो है आपका इंजन से सक्शन स्ट्रोक की यदि बात करें तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक में एयर जो है इंजन उसको सक करता है, ठीक है। तो एयर फ्लो थ्रू द वेंचुरी ट्यूब, तो यहां से जो है वेंचुरी ट्यूब के थ्रू एयर फ्लो होगी, ठीक है। जब प्रेशर डिफरेंशियल आएगा तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनेगा, ठीक है। फ्यूल जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर कैसे बनेगा, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंशियल आएगा तो एयर फ्यूल का मिक्सचर बनेगा। और थ्रोटल वॉल्व को जब हम जैसे ही थ्रोटल वॉल्व को जैसे ही हम कंट्रोल करेंगे तो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है सफिशियंट अमाउंट एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है यहाँ पे इंजन के इंजन का जो कंबसन चैम्बर है वहां पर पहुंचेगा। तो इस तरीके से आपका कार्बोरेटर काम करता है। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कार्बोरेटर एंड ए सिंपल ऑपरेशन ऑफ कार्बोरेटर एंड सम कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ द कार्बोरेटर ऑफ ए सिंपल एसआई इंजन के लिए हमने यहाँ पे स्टडी करा। थैंक यू सो मच।